चलिए सिवनी से खबर, जहां विचाराधीन कैदी ने मौत को गले लगाया है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी जेल में बंद था अर्जुन मस्कोले 23 वर्षीय युवक है, जिन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी जेल में बंद था। लखना दौन पुलिस मर्ग कायम अभी जांच में जुटी है। चलिए क्या है पूरा मामला, सिवनी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं उत्तम। उत्तम, क्या है पूरा मामला जानना चाहेंगे आपसे। जी सोनम, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला लखना दौन जेल पे है। ये जो विचाराधीन कैदी थे जिनकी दो लोगों की जो ड्यूटी लगाई गई थी, जिसपे एक विचाराधीन कैदी को रात में 2 बजे उनको कहा गया था कि आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे, लेकिन उसके बाद विचाराधीन कैदी टॉयलेट पर जाकर उसने फांसी लगा ली। कितने समय से ये कैदी जेल में बंद था और क्या ये मामला किस संबंध में, और बताइए कि कितने समय तक कैदी बंद था जेल में। जी सोनम, मैं आपको बता दूं, ये नाबालिग दुष्कर्म की सजा 1 वर्ष से ये कैदी काट रहा था, जिसकी कोर्ट पे इसको बार बार पेश किया जा रहा था, जिसकी ये कैदी मिनिमम 1 साल से ये सजा काट रहा था, जिसकी उम्र 23 वर्ष ही बताई जा रही है। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि वो उसकी मौत जो हुई है वो फांसी से हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन परिजनों का जी लखनऊ पुलिस लखनऊ पुलिस इस मामले में जांच कर रही है अभी कि विचाराधीन कैदी की किस तरीके से मौत हुई है। जी सर जी, खुदकुशी की खबर जब मिली तो पुलिस अधिकारी किस तरीके से वहां पहुंचे, जानना चाहेंगे आपसे उत्तम। हालांकि इस संबंध में सनम जी जिला जेल से जो जानकारी हम लोगों की जानना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी सामने बचने से नजर आ रहे हैं। जी सोनम जी जी जी, फांसी लगाकर जान दी गई, इसकी पक्की जानकारी कब तक मिल सकेगी। इसकी जानकारी तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी जाएगी, लेकिन अभी वो जानकारी देने से बच रहे हैं, जिसका पीएम के लिए उसको शव को भेज दिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों को शव सौंपा गया है। जी, परिजनों को सबको सौंप दिया गया है। जी जी, तमाम जानकारियां कब तक मिल सकेंगी उत्तम। तमाम जानकारी के लिए मैडम हम लोग कोशिश करेंगे कि वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी बात हम लोगों की हो सके, लेकिन अभी अधिकारी कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि लखनऊ दौन पुलिस मामले में जुटी है ये तो बताया जा रहा है, लेकिन 1 वर्ष से ये पुलिस लखनऊ दौन जेल हिरासत में था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम हमारे साथ जुड़ने के लिए।